सो गाइस, जो आपको लेफ्ट साइड में गेट दिख रहा है वो एंट्री है जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, और ये एग्जिट है जो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा हो ची मिन्ह सिटी से लेके हेलोंग बे, और हमारी मस्ती के साथ साथ फुल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। और आज हम लोग जा रहे हैं हनोई से हेलोंग बे, और अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ जी। मैंने ये ट्रैवल पैकेज लिया हुआ था हेलोंग बे का, जो कि हनोई से आपको पड़ता है अराउंड $100 टू $150 के आसपास, अगर आप 3-स्टार बोट में रुकना चाहते हो। ऐसी अगर आप 4-स्टार 5-स्टार बोट में रुकना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। तो बेसिकली हनोई से हेलोंग बे का जो डिस्टेंस है वो 125 किलोमीटर के अराउंड है, जिसमें आपको 2.5 घंटे करीब लग जाते हैं। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं हेलोंग बे, और यहां से हमारी बोट हमें लेने आने वाली है और हम लोग वेट कर रहे हैं उसका। सो यहां पे जो है हेलोंग बे में अराउंड 150 के आसपास क्रूज हैं, जिसमें से कि 110 क्रूज जो है रात को चलते हैं और बाकी सारे दिन भर में चलते हैं। एक सेकेंड, हेलो। और काफ़ी अच्छा माहौल है, और लेट्स सी कैसी हमारी बोट होने वाली है। अगर बोट अच्छी हुई तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस, हमें मिल गया है रूम और हम कर रहे हैं चेक इन। हमारा रूम जो है वो है 205। लेट मी शो यू द रूम। थोड़ा सा छोटा सा कैबिन है बेसिकली, क्रूज में ऐसे ही होता होगा। मुझे बैठ बैठे तो फर्स्ट टाइम है ओवरनाइट क्रूजिंग का। सो दिस इज द रूम, अ स्मॉल वन। एसी भी है, सही है भाई। हथौड़ा क्यों दिया हुआ करानो, ये हथौड़ा किस लिए? द फायर एस्केप प्लान। ओके, ओ ये वॉशरूम तो देखो, ए फिर भी यार शिप में भी इतना बढ़िया वॉशरूम, हीटर भी है, क्या चाहिए और। अरे मिनरल वाटर कहाँ है? मिनरल ये है ना जग। सो गाइस, चेक इन हम लोगों ने कर लिया है, लगेज वगैरह अपना सेटल कर दिया है। तो अभी 1:30 पे हमें ऊपर लंच के लिए जाना है, जो ऊपर डाइनिंग एरिया आपने भी देखा था। तो बेसिकली इस पैकेज के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, एकोमोडेशन, खाना वाना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट एल्कोहल। तो बेसिकली अगर आप लोगों को ड्रिंक्स वगैरह करनी है तो ऊपर एक बार भी है उसी डाइनिंग एरिया के साथ में, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और बाकी यहाँ से हम अराउंड 20-25 किलोमीटर तक क्रूजिंग करने वाले हैं आज रात को। यहाँ पे अभी उन लोगों ने क्या करा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के ग्रुप बना दिए हैं, तो हम लोग जो है वेजिटेरियन वाले ग्रुप वाले अलग से बैठे हुए हैं, और मेरे साथ दो हमारे इंडियन भाई भी आए हुए हैं साथ में। फ्रॉम महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्रूज में? बहुत सही है, तो स्टार्ट हुआ है, देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सो गाइस, यहाँ पे वेज में बैगन और राइस और सैलेड और एग्स वगैरह अवेलेबल है। तो यहाँ का बैगन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे कंट्री से, और टेस्ट भी थोड़ा अलग है। हमारे वहाँ पे जो होता है ना बिल्कुल एकदम लसलसा सा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और भाई ये सैलेड तो जो लेकर आ रहे हैं ना एकदम सजा सजा के मस्त। और ये मोमोज। सो गाइस, ये है रूफ टॉप हमारे क्रूज का, एज यू कैन सी। सो यहाँ होने वाली पार्टी जबरदस्त वाली। काफ़ी स्पेसियस है ऊपर से, हमें लगा था थोड़ा सा पार्टी वाला प्लेस थोड़ा सा वो कंजेस्टेड ना हो, बट ये थोड़ा स्पेसियस है इसी बात। सो गाइस, लंच करने के बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक मिला था, और उसके बाद अब हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है
वो हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं, और ये जो ट्रैकिंग है वो केव्स के अंदर होते हुए जाना है हमें काफ़ी दूर तक, और लेट्स सी कैसी होने वाली ट्रैकिंग और कितना मज़ा आने वाला है, बिकॉज जो केव है काफ़ी फेमस है और काफ़ी पुरानी भी है। तो गाइस अभी हम लोग दूर से इस छोटी बोट के थ्रू बीच में जाने वाले हैं जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है सीरियसली, और अमेजिंग फीलिंग है और अमेजिंग व्यूज़ है। कितने आइलैंड है यहाँ पे? सो अराउंड ऐसे छोटे 6000 के आसपास आइलैंड हैं यहाँ पे। सो गाइस ये है वो केव जहाँ जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। ये बिल्कुल जो अपने वैष्णो देवी के आगे जो शिव खोड़ी वाली गुफा वाली केव है ना, उसकी तरह लग रही है एकदम। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे से ये गुफा में जाने का रास्ता है, और यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म दो तीन और हैं, तो अलग अलग क्रूज के अलग अलग जिनके अलग अलग क्रूज अलग अलग स्टेशन बने हुए हैं। तो अभी गुफा में जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, अब देखते हैं अंदर जाके, बिकॉज मैं अपना चश्मा लाना भूल गया हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ ज़्यादा दिखने वाला है, बट बाद में वीडियोज में देख लूँगा। The second one, bigger one, about 600 square meter. And the last one is the biggest one with 9,100 square meter. Yeah, keep your ticket down. वैसे तगड़ी भीड़ है एकदम, और जबरदस्त लाइन लगी हुई है गुफा में निकले। राजीव चौक की याद आ रही है, इतनी भीड़ लगी रहती है लाइन में। So guys, this is the entry. यहाँ से गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, और काफी थोड़ा सा अंधेरा है और लोग इतने ज्यादा हैं। यह है जबरदस्त गुफा, इट्स अमेजिंग। That's why a small lake on the left hand side, because in Halong Bay long time no rain, the water level is very low. In the summer time you can see the water level in the summer time. You see it? So you see, turn on your imagination over there. It doesn't look like the elephant. It's a bit here. The elephant head nose and the head of elephant eyes. You see it? Elephant. Here. The tail and the leg of photo. So it have many things depend on your image. We are very noisy now. We just keep going with the second camera. Which one? That's why you go through the cave. No, no, no! You see over there are many energy wire. Very dangerous inside. आने की मेन रीजन है। You see, because ingredient of limestone is the calcium. When also have rainy water come through the lump, it get calcium. It do layer by layer come down because stalactite and drop on the ground comes down because stalactite. Day by day, time by time, it will match together. And near the ceiling on the left side there, it have a ceiling like the monkey. You see, the head of monkey, arm and the leg of monkey, the head of lion, eye, you know the Singapura, the behind leg, hand behind leg, here, you see it, with the long hair. Where is the water? Huh? Where is the water? Water, because this time no rain, no rain. So the mouth, the chin, doesn't have the visa anymore. You see, he stay here and he visiting. सो गाइस बेसिकली अब छोटी गुफा और बड़ी गुफाओं का कॉम्बिनेशन है। छोटी छोटी नैरो गुफाओं से तुम निकलते हो केव से, तो अंदर जाके बहुत बड़ी गुफा जैसे कि तुमने देखा, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं निकलती है और अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें बनी हुई हैं दीवारों पे, वॉल्स पे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें बनी हुई हैं। आपको अपना इमेजिनेशन यूज़ करना है, और आप कुछ भी उसको इमेजिनेशन के थ्रू बना सकते हो। The first time they discover the cave, they have a rock on the rock there. The second time over here, the same. They put their name there. And then... So, you were the first time here. Second time. Huh?
Tortoise. Can you see that? Yeah. They worship turtle. That's why. तो वही जो केव है काफ़ी लंबी केव है और ऐसी केव्स इंडिया में भी है बट इतनी लंबी नहीं है। ऐसे एक केव है, अगर आप वैष्णो देवी में आगे जाओगे तो एक शिवखोड़ी करके गुफा पड़ती है, तो वो भी ऐसी कुछ इंफ्रा उसका ऑलमोस्ट सेम है बट इतनी ज़्यादा वाइड और इतनी लंबी नहीं है। ये जो है ये सरप्राइजिंग केव है, शंखफोंग केव कुछ ऐसा नाम है इसका, और मज़ा आ गया यहाँ के, अलग ही फीलिंग है सीरियसली, अलग अलग नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो वही सब हम लोग केव से बाहर आ गए हैं और केव से बाहर निकलती है एग्जिट पे एक अमेजिंग व्यू दिख रहा है लॉन्ग बे का। आपने देखा होगा कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा केव का, और आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप यहाँ की साइड आ रहे हो तो पक्का हेलोंग बे बनता है। सो गाइस, जो आपको लेफ्ट साइड में गेट दिख रहा है वो एंट्री है जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, और ये एग्जिट है जो बड़ा सा आपको गेट सा दिख रहा है केव का। सो गाइस, सरप्राइजिंग केव के बाद हम आ गए हैं टी टॉप आइलैंड में, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप स्विम कर सकते हो या हाइक कर सकते हो, तो हम लोग हाइकिंग के लिए जा रहे हैं अभी। सो गाइस, ये जो ट्रैक है ये 4.2 किलोमीटर का ट्रैक है, और स्टार्टिंग में जो है स्टीप है एकदम, स्टेप्स वगैरह बने हुए हैं, और लेट्स सी कितना कर पाते हैं बिकॉज थकान भी बहुत लगी हुई है सीरियसली, नहीं तो आधे से वापस आ जाएंगे। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। It's 4.2. Yeah. Hey there. So guys, finally मैं ऊपर टॉप पे पहुंची हूँ, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना सीरियसली बहुत अमेजिंग है, और अगर आज टॉपिंग कम हो जाए ना तो और अमेजिंग लगने वाला था व्यू, और मैं टोपी से पकड़ी मेरे पास बहुत तेज चल रही उड़ सकती है। सो गाइस, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग व्यूज़ आते हैं यहाँ से टॉप से, आपने अभी वीडियो में देखे होंगे। और अभी सारे स्टेप्स हैं तो मैं व्लॉगिंग अभी नहीं करता हूँ, आपको मिलता हूँ सीधे बोट पे। सो गाइस, अब हम लोग वापस जा रहे हैं सेम बोट में ट्रांसपोर्ट होते हुए अपनी शिप पे, अपने क्रूज पे, और काफ़ी मज़ा आया। सो गाइस, वहाँ से वापस आने के बाद हम लोगों ने ऊपर बोट पार्टी करी, और उसके बाद अभी डिनर का टाइम है, आई होप इसके बाद आफ्टर पार्टी का भी मौका मिले बिकॉज पार्टी बहुत फीकी सी थी, ज़्यादा मज़ा नहीं आया और जल्दी खत्म हो गया। सो गाइस, ये है वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन डिनर बेसिकली, और इसमें आज हम ले रहे हैं ये क्या है, बड़ा है क्या, बड़ा नहीं ये क्या है, कुछ तो है मतलब तला भुना कुछ टाइप का है, बड़ा बोलते हैं हमारे तो तला बुला, और साथ में मिल रहा है एग सूप। तो और अभी डिनर में क्या क्या आता है देखते हैं, लेट्स सी। स्प्रिंग रोल, ओके। तो गाइस, कैसी लगी ट्रैकिंग, मजा आया? कई लोगों ने तो समुद्र में डुबकी भी मार दी। क्या बात कर रहे हैं, ये स्ट्रीम बनाने गए क्या? स्ट्रीम फूड ऐसा भी क्या करना है, साला घर में धुआं हो जाए पूरा। 3, 2, 1, गो। ओह मैन, कम ऑन, अगेन काउंटडाउन, झंडे हो गई।